जयपुर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चार दीवारी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने दुकानों के बरामदे पर हो रहे अतिक्रमण पर नाराजगी जताई है। मंत्री धारीवाल का यह दौरा सांगानेरी गेट से शुरू हुआ। वहीं धारीवाल ने व्यापारियों से समझाइश भी की और कड़े शब्दों में चेतावनी दी। इस दौरान मंत्री ने चार दीवारी के दुकानों में आई दरारों पर भी अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही उन्होंने दिवाली से पहले उसको ठीक करने के आदेश दिए हैं। करीब एक घंटे की इस दौरे में मंत्री जी 2 किलोमीटर तक पैदल चले। मंत्री शांति धारीवाल पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यह दौरा व्यापारियों के हित में किया गया है और व्यापारियों की सुविधाओं के लिए किया है। अगर बरांडे खाली रहेंगे तो निश्चित तौर पर ग्राहक जो है वो बरांडे में चलेंगे और बरांडे में ग्राहक चलेगा तो व्यापार बढ़ेगा, उनका व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। तो ये उनके हित के लिए दौरा किया है। हमने उनसे व्यापारियों से भी निवेदन किया है कि मेहरबानी करके इस बात को कायम रखें कि वो अपने दुकान के बाहर कोई सामान न रखें। अगर मान लीजिए वो इसमें हमें कोऑपरेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये पूरी टीम आ जाई हुई है। सबकी ओपिनियन ये बनती है, यूनानी मसली ये ओपिनियन बनती है कि अगर मान लीजिए ये व्यापारी सहयोग नहीं करते हैं और ग्राहकों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते हैं या अपने व्यापार को भी बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी दुकानें सील होंगी। एक बार गलती करेंगे तो 7 रोज की सील होगी, दूसरी बार गलती करेंगे तो 1 महीने के लिए।